आज मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह आप मेरे साथ इस जुलूस में निकले, इस रैली में निकले, और जिस तरह आप भी यहां जो आवाम है इन्होंने आज हमारा इस्तकबाल किया, मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आज इस रैली से ये वाजे हो गया कि ये क्यों, ये इंपोर्टेड हुकूमत क्यों हमारी रैली नहीं होने देती थी। 8 मार्च को इन्होंने तशद्दुद करके रैली रोकी और उसके बाद कल फिर इन्होंने हमें हमारी इजाजत रैली की नहीं दी। और आज जिस तरह का लाहौर के अवाम का इस्तकबाल था, सबको वाजे हो जाना चाहिए कि क्यों ये डर रहे थे। तो मैं सबसे पहले आज जिले शाह का जिस तरह की उसकी शहादत की गई, तशद्दुद किया गया, मैं अपनी सारी कौम, अपने कारकुनों नहीं, मैं आज अपनी सारी कौम की तरफ से उन लोगों को पैगाम दे रहा हूं कि ना ये मैं कभी भूलूंगा, ना ये कौम कभी आपको माफ करेगी। ये हम जब तक इंसाफ के कटहरे पे वो हमारे वो पुलिस वाले और जिन जिन्होंने तशद्दुद किया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनको सजाएं दिलवाएंगे। दूसरी चीज, मैं आज अपने सारे पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं कि देखें, ये मेरी जाती जंग नहीं है। जाती मफादात के लिए कोई अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालता। सबको पता है कि जब भी मैं जमान पाक से निकलता हूं, मेरी जिंदगी खतरे में है। और अगर मैं जाती मफादात के लिए आज पब्लिक में निकल रहा हूं या आप सबके पास जा रहा हूं, तो वो कौन जिसकी जान खतरे में है, वो कौन अपनी जाती फायदों के लिए कोई तरीक चलाता है? क्योंकि जिंदा होगा तो फायदा होगा। और इसीलिए जो पहले वाले लोग, वो तो अपनी चोरी छुपाने के लिए मुल्क से बाहर भाग जाते थे। तो मैं ये वाजे कर दूं कि ये जंग मेरी पाकिस्तानी कौम की मैं लड़ रहा हूं, आप सबकी जंग लड़ रहा हूं। इसमें चाहे हमारे मजदूर हों, चाहे हमारे रेड़ी वाले हों, चाहे हमारे किसान हों, ये हम सबकी जंग है। चाहे प्रोफेशनल्स हो, टीचर्स हो, वकील हो, इस मुल्क के हमारे सरकारी नौकर हो, हमारी पुलिस वाले हो, हमारे फौज वाले हो, ये सबकी जंग है। क्यों, हमारा मुल्क आज तबाही के किनारे पे खड़ा है। और सबको मैं दावत देता हूं कि हमारे साथ इस जिहाद में शिरकत करें। ये हकीकी आजादी की जंग है। हकीकी आजादी हकीकी जमहूरियत से आती है। हकीकी जमहूरियत इंसाफ से आती है, कानून की हुक्मरानी से आती है, रूल ऑफ लॉ से आती है। यह हम सब की जंग है। और यह हर किस्म का हर बार इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो ऊपर मुल्क के बड़े बड़े मुजरिम बैठे हैं, हर किस्म का हर बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरह इलेक्शन से हमें बाहर करें। केसेस कर रहे हैं, जितने मेरे करीब तहरीक इंसाफ के अहदेदार हैं, सब पे केसेस हैं। मेरे ऊपर 80 केसेस हैं और हर रोज को नया केस है। और इनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह हमें इलेक्शन से बाहर करें। और दूसरा, किरदार कुशी, हर किस्म की किरदार कुशी इन्होंने की है। और क्योंकि अल्लाह अल हक है, जो इतनी देर से तोशाखाना का ड्रामा किया हुआ था, आज सारी कौम के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि असल में तोशाखाना कौन लूट रहा था। और अभी एक और चीज होने वाली है, जो हमारा पार्टी का फंडिंग केस था, जिसको फॉरेन फंडिंग कहते थे,
जैसे ही पता चलेगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग सामने आएगी, सारी कौम को फिर पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ कानून के मुताबिक पैसे इकट्ठे कर रही थी और ये दो जमातों ने कैसा पैसा इकट्ठा किया, सारी कौम के सामने आ जाएगा। यह भी दूसरा इंकशाफ होने वाला है। मैं आखिर में अपने लाहौरियों को पैगाम दे रहा हूं और उधर से जो सबसे मुकद्दस जगह है लाहौर की दाता दरबार से, कि इंशाल्लाह अगली इतवार को दोपहर के 2 बजे हम मीनारे पाकिस्तान में जलसा करेंगे और मैं ये चाहता हूं, मैं सारे लाहौरियों को कह रहा हूं, ये जलसा हमारा दिन के वक्त होगा। मैं ये और ये छठा जलसा मेरा मीनारे पाकिस्तान में पिछले 12 साल में ये छठा जलसा इंशाल्लाह होगा। और मैं इसलिए दिन के वक्त चाहता हूं कि मैं सारी कौम को दिखाना चाहता हूं कि आज कौम कैसे मेरे जहाद हकीकी आजादी की जहाद के साथ खड़े हैं और मेरे लाहौर के लोग कैसे मेरे साथ खड़े हैं। अंधेरे में नजर नहीं आएगा, इसलिए मैं सारे लाहौरियों को कह रहा हूं कि दोपहर को हमने जलसा करना है, 2 बजे से आपने शुरू होना है और इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूंगा कि हमने कैसे अपने मुल्क को इस दलदल से निकालना है जो ये चोर और डाकू इंपोर्टेड हुकूमत बैरूनी साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसलत हुए हुए हैं। आपने लाहौरियों मेरी कॉल पे अभी से तैयारी करें, इतवार को इंशाल्लाह हम सारी कौम के सामने बताएंगे कि क्या पाकिस्तान के मसले के हल हैं, कैसे हम अपनी कौम को हकीकी आजादी दे के एक अजीम कौम बना सकते हैं, खुशहाली ला सकते हैं, कैसे हमने मिलकर जदोजहद करनी है अपने मुल्क को बचाने के लिए। और कैसे, मैं आप सबको कह रहा हूं, बताऊंगा कि अगर हमने अपने बच्चों का मुस्तकबिल, अगर हमने एक आजाद मुल्क बन के रहना है, खुददार कौम बन के, तो हमें क्या करना पड़ेगा। सारी कौम को मिलके इस जदोजहद में शामिल होना पड़ेगा और जब हमें कौम बन के इस जदोजहद में मिलके जब मुकाबला करेंगे, कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती वो पाकिस्तान बनाने में जिसके बनने में नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। शुक्रिया।